हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम आप सबका हमारे नए ब्लॉग में एक बार फिर से। और स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ना एक ट्रेन की जर्नी फिर से लखनऊ से दिल्ली तक की। और कल रात में ना हम डिनर करके आए और सो गए, और अभी हो रहे हैं सुबह के 5:40। काफ़ी सुबह की हमारी ट्रेन थी और काफ़ी जल्दी जल्दी निकल के आना पड़ा। भाई तो मैं बता दूँगा आपको कि मैंने लखनऊ में ना होटल लिया था और एक रात का स्टे का 400 के आसपास का पड़ा सिंगल, सो मैंने ले लिया क्योंकि मुझे स्टे करना था। और यहाँ से मेरी एक अलग ट्रेन की जर्नी है जो लखनऊ से दिल्ली की होने वाली है। हम जा रहे हैं अभी दिल्ली, तो और एक नए रूट से जाने वाले हैं, तो दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में ट्रेन के अराइवल में। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं 4 बाग लखनऊ और इस ट्रेन का अराइवल होगा और दिखाएंगे आपको। हम जिस ट्रेन से जर्नी करने जा रहे हैं ना, उस ट्रेन का ट्रेन नंबर है 1403 जो कि चलती है मालदा टाउन से, और वो आती है लखनऊ, और लखनऊ से वो जाती है मुरादाबाद बरेली के रास्ते दिल्ली पहुंचती है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको अंदर जाके। फिलहाल हाँ जी, तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं ऊपर हल्का हल्का उजाला हो रहा है, काफ़ी सुहाना लग रहा है। हाँ जी, तो मैं पहुँच चुका हूँ लखनऊ 4 बाग के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। हमारी ट्रेन का कुछ ही देर में अराइवल होने वाला है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट कंटेंट हम देने जा रहे हैं आपको, बहुत कुछ एक्साइटिंग भी होगा, तो चलिए दिखाते हैं आपको। वैसे ना हमारी ट्रिप में कुछ चेंजिंग हुई है, हमको पहले जाना था बस से कहीं, रूट में चेंजिंग किया और मैं रात में सोया था ना अभी 9 बजे के आसपास ही, तो मेरा मूड चेंज हुआ और कुछ प्लानिंग में चेंजिंग हुई और मैं फिर दिल्ली के लिए ट्रेन की बुकिंग देखने लगा। तो मुझे मेरे सामने अर्ली मॉर्निंग में ना राजधानी डिब्रूगढ़ राजधानी शो हुई, बट उसका जो अराइवल टाइम था ना वो 5:40 के अराउंड शायद था, तो और वो काफ़ी अर्ली हो गया, तो मुझे मैंने सोचा कि इतने पहले उठ के आने में दिक्कत होगी फिर सारी चीज़ें, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया और मैंने इस ट्रेन में बुकिंग कराई फिर, और अवेलेबल मिल गया मुझको AC 3 टायर। भाई जो मैं बता दूँ आपको कि AC 3 टायर में मैं जर्नी करने जा रहा हूँ इस ट्रेन के अंदर। और जब मैं प्लेटफॉर्म पर आया ना तो मुझे डिब्रूगढ़ राजधानी खड़ी मिली, तो यही होता है कोइंसिडेंट, मैंने उस ट्रेन को छोड़ दिया टिकटिंग में और ये हो गया। देखिए हमारे सामने किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है। और हाँ, मेरी ट्रेन का अभी अनाउंसमेंट हो चुका है कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे उसका अराइवल होगा, तो चलिए अराइवल दिखाते हैं आपको उस ट्रेन का। हाँ, मैं इस ट्रेन में बोर्ड करने वाला हूँ ना लखनऊ 4 बाग से, और यहाँ पे इस ट्रेन का अराइवल टाइम था सुबह के 6:05 पे, और ये बिल्कुल ऑन टाइम आ रही है, अनाउंसमेंट हो चुका है इसका। और इस ट्रेन का दिल्ली पहुंचाने का जो न्यू दिल्ली पहुंचाने का टाइम है ना 2:30 है। इस ट्रेन का यहां से चलने के बाद ना सीधा अगला स्टॉप बरेली है, फिर मुरादाबाद, देन गाज़ियाबाद और फिर दिल्ली, तो काफ़ी कम स्टॉप है इसके यहां से। चलिए दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी, काफ़ी बढ़िया होने वाली है शायद, देखता हूँ क्योंकि स्टॉपेज तो कम लग रहे हैं, अब देखा जाए क्या है। वैसे ट्रेन की पंक्चुअलिटी अगर मैं देखूँ यहाँ पर इस ट्रेन का अराइवल टाइम ना, तो बिल्कुल राइट टाइम पर इसका अराइवल हो रहा है अभी, तो चलिए दिखाते हैं आपको अराइवल और फिर उसके बाद डिपार्चर। बाय द वे पुडुचेरी एक्सप्रेस आ चुकी है हमारी, देख सकते हैं आप इसका अराइवल हो गया है, और हम जर्नी करने जा रहे हैं इस ट्रेन के AC 3 टायर में, और हमारी सीट है B6 में। काफ़ी लंबी रूट ही आती है मालदा से, और ये ट्रेन पुडुचेरी एक्सप्रेस के नाम से भी चलती है, तो बिल्कुल ही ऑन टाइम आई है ट्रेन, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही राइट टाइम से अराइवल हुआ है यहाँ पे। और अभी दिखाता हूँ आपको डिपार्चर। सो फाइनली इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है, और देख सकते हैं आप उजाला हो गया काफ़ी, अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट हॉल्ट रहा है इस ट्रेन का यहाँ पे, और अपने टाइम से डिपार्चिंग टाइम से थोड़ा सा लेट छुटी है यहाँ से। और सामने नौचंदी एक्सप्रेस खड़ी है जिसका अभी अराइवल हुआ है उसका, और हम फाइनली अपने टाइम से थोड़ा सा डिले करके यहाँ से डिपार्च कर चुके हैं, और हम निकल रहे हैं अब सीधा यहाँ से दिल्ली की तरफ। इस ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप बरेली जंक्शन है। ये ट्रेन ना LHB कोच के साथ चल रही है, और दिखाता हूँ इंटीरियर थोड़ा सा AC 3 टायर का इसका, और फिर उसके बाद आपको जो भी होगा चीज़ें दिखाने की वो दिखाऊँगा, और मिलता हूँ फिर सीधा बरेली जंक्शन पर। और ये देखिए ऊपर लखनऊ मेट्रो रन करती हुई। भोपाल प्रतापगढ़ सुपरफास्ट खड़ी है हमारे सामने, और ये है यहाँ की वॉशिंग पिट। सब दिखाता चलूँ क्योंकि
हमारे इस व्लॉगिंग टाइम ना दिन के टाइम में उजाले में लखनऊ चारबाग मतलब लखनऊ के बड़े वाले स्टेशन से पहली बार डिपार्चर हो रहा है। ये देखिए लखनऊ डबल डेकर खड़ी है सामने। विंडो ना भाई साहब बहुत गंदी है हमारी। अभी हम ले रहे हैं वेज कटलेट और ऑमलेट कितने का है? 50 का। तो मैंने ले लिया है ब्रेड कटलेट और ये देखिए ब्रेड फ्रेश ही दिख रहा है और ये है केचप और ये है दो कटलेट। कटलेट दिखाता हूँ आपको भाई साहब। कटलेट तो गर्मा गर्म दिख रहा है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है बिल्कुल। देखते हैं खा के टेस्ट करके बताते हैं आपको। सही है कटलेट, बिल्कुल गर्मा गर्म भी है। ये है हमने ब्रेड ऑमलेट को रेडी कर लिया और खाया, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका और गर्म भी है। हरदोई के अंदर ही कंडीशन और कोच में अंदर भी काफ़ी गंदा है, बट एवरेज क्लीन कर सकता हूँ। वो भी जिस स्टाफ आया था और थोड़ी सी क्लीनिंग की थी। ये है राइट। अगर चैनल पे आप नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बने रहे हमारे इस ब्लॉग में। इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ आगे आएँगी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बरेली जंक्शन। बरेली जंक्शन ये है उस साइड प्लेटफॉर्म नंबर 1 और हमारी ट्रेन लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 2। भाई साहब बरेली से इसका डिपार्चर हो चुका है। ट्रेन इतनी डिले थी ना कि स्टॉपेज सिर्फ 2 मिनट हुआ, 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ना। सो 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ये ट्रेन हमारी बरेली जंक्शन से डिपार्च कर चुकी है। आप देख सकते हैं पीछे रहा हमने। वैसे 6 प्लेटफॉर्म भी हैं बट 2-4 प्लेटफॉर्म रिजर्व हैं और जो 2 प्लेटफॉर्म बाकी के हैं ना वो 2 प्लेटफॉर्म एक अलग लूप लाइन के लिए जाते हैं, वहाँ से अलग सेपरेट रूट की ट्रेनें चलती हैं उनके लिए हैं। देखिए बहुत सारी रूट कट गई यहाँ से। रामपुर जंक्शन और यहाँ भी किसी ट्रेन का अराइवल हो रहा है, कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस का। सामने हमारे कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। और हमें लगा था कि हम शायद रामपुर को स्किप करेंगे बट नहीं, ट्रेन तो काफ़ी हल्की हो गई हमारी। ये पुरानी इमारत नवाबों के टाइम की लग रही है या उसी शेप पे, नवाबों के शेप पे बनी हुई है इमारत रामपुर की। और ये रामपुर का एक शहर की एक झलक बाहर की जो शायद कैमरे में ना दिख रही हो मगर मुझे दिख रही है नंगी आँखों से। ये रामपुर शहर है, काफ़ी चर्चित शहर है उत्तर प्रदेश का। स्टॉपेज तो नहीं था इस हमारी ट्रेन का यहाँ पे। ये है रामपुर क्रॉस कर रहे हैं और ये देखिए सामने से मालगाड़ी गुड्स ट्रेन।
हम पहुंच रहे हैं मुरादाबाद और यहाँ देखिए कोई रेलवे ट्रैक एक और आ रहा है उस साइड से, वो उस साइड से एक रेलवे ट्रैक आ रहा था और हम पहुंच रहे हैं मुरादाबाद। बहुत दूर से आबादियाँ दिख रही हैं, काफ़ी बड़ा शहर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। अभी लिया है मैंने रेलनीर पानी और मैं ट्रेन में ना मांगता ही रह गया पानी सुबह से लेके, मगर ट्रेन में नहीं मिल पाया और अभी लिया है मैंने रेलनीर पानी यहाँ से 15 रुपये का। वैसे तो इसको पीतल की नगरी भी कहते हैं, मगर बिरयानी जो होती है ना मुरादाबादी स्टाइल की है वो भी फेमस है और दाल मुरादाबाद की काफ़ी फेमस है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको डिपार्चर पे मुरादाबाद से। फाइनली मुरादाबाद से हम डिपार्च कर चुके हैं। हाँ जी, तो अभी हम मुरादाबाद पहुँचे हुए हैं, मुरादाबाद से निकले हुए हम और इस ट्रेन का ना अगला स्टॉप है गाज़ियाबाद। तो गाज़ियाबाद पहुँचेंगे, दिखाते हैं आपको, फिर उसके बाद ये पहुँचेगी न्यू दिल्ली। मुरादाबाद में ये ट्रेन ना ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेट 1.25 घंटा लेट हो गई है, अब देखते हैं कब ये गाज़ियाबाद और कब ये न्यू दिल्ली पहुँचाती है। अभी देखिए गरीब रथ, गंगा पुल था ये। और जैसे ही नदी ख़त्म हुई है ना वैसे ही कोई छोटा सा स्टेशन आ गया। गाज़ियाबाद हम पहुंच रहे हैं, हमारा अराइवल हो रहा है 2:16 हो रहे हैं। हालांकि इस ट्रेन के पहुंचने का जो टाइम था ना वो 1:44 था। ये देखिए गाज़ियाबाद जंक्शन को हम डिपार्ट करते हुए। और ये है गाज़ियाबाद जंक्शन। ये देखिए पटना तेजस का डिपार्चर न्यू दिल्ली से और हम पहुंच रहे हैं न्यू दिल्ली। ये सामने हमारे पटना तेजस। अब ये ट्रेन ना जो जिससे हम जर्नी कर रहे हैं ना, ये देखिए यमुना नदी और हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली। जिससे हम जर्नी कर रहे हैं ना ये ट्रेन अभी इतनी लेट हो गई है ना कि यहाँ से अब दूसरी ट्रेनों का डिपार्चर स्टार्ट हो गया है। कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी, इसका डिपार्चर हो चुका है न्यू दिल्ली से। सो अभी हम पहुंच चुके हैं लगभग न्यू दिल्ली और हमारे सामने यहाँ पे कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी, मतलब न्यू दिल्ली कानपुर शताब्दी का डिपार्चर हुआ है अभी जस्ट और हमारा अराइवल हो रहा है न्यू दिल्ली पे, पहुंच चुके हैं जस्ट। सो हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली और हमारे सामने अभी बाहर खड़ी थी राजधानी और यहाँ खड़ी है बरेली
नई दिल्ली रोहतक। हाँ जी, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं न्यू दिल्ली और हमारी ट्रेन ना यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट मतलब कि 1.5 घंटे की देरी से इसका अराइवल हुआ न्यू दिल्ली में और काफ़ी लेट कर दी। देख सकते हैं आप पंक्चुअलिटी ट्रेन की कितनी अच्छी रही है, 1.5 घंटे डिले आई है तो आप समझ सकते हैं कितनी पंक्चुअल है ये टाइम की। और रहा सफाई की बात तो सफाई इस ट्रेन के अंदर नहीं है। बात करूँ फेयर की ना तो लखनऊ जंक्शन से मतलब लखनऊ चारबाग से न्यू दिल्ली तक का हमारा फेयर पड़ा हुआ है 715 रुपये पर हेड AC 3 टायर का। सो चलिए चलते हैं फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। ये ब्लॉग यहीं तक का था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए या अगर अभी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में। तो बने रहे हमारे चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय।